हेलो एवरीवन, हम लोग फार्म मशीनरी एंड पावर पढ़ रहे थे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फार्म पावर क्या होता है एंड सोर्सेस ऑफ फार्म पावर क्या होते हैं। हमारा वो इंट्रोडक्शन लेक्चर था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे फार्म मैकेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में होते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सुनना, और इसका नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को पढ़ेंगे नहीं, इसको हम लोग फोटोग्राफ से समझते हैं कि फार्म मैकेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्योंकि आप फोटोग्राफ देखोगे ना तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसका फोटोग्राफ। देखिए, जब हमारे पास एडवांस मशीनें नहीं थी तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया करते थे, जिसमें हम लोग क्या करते थे, कुछ इस तरीके का काम किया करते थे। यदि हमको हम क्या किए, हमने राइस का हार्वेस्टिंग करा, देन उसको जब हमको थ्रेशिंग करना होता था तो कुछ इस तरीके का हम लोग वर्क परफॉर्म करते थे। ठीक है, लेकिन कुछ समय आगे बढ़ता गया और हमारे पास कुछ ऐसे मशीनें आ गई जो कि इसको रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे आप देखिए, इस तरह का हम लोग मशीनें आज के ज़माने में यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको वैसे भी यहाँ पे गाँव में ये आजकल हर घर में आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक फार्मर है जो क्या कर रहा है, वीट की हार्वेस्टिंग कर रहा है। तो यदि ये हार्वेस्टिंग करने सुबह निकला होगा तो इसको आप कोस एक दिन में नहीं हो पाएगा, पूरा वो अपने फील्ड को एक दिन में नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, हमारे पास एडवांस मशीनें आ गई जिसकी मदद से हम 1 घंटे के अंदर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये फोटोग्राफ मैंने आपको दिखाया क्यों, कहने का सेंस ये है कि हम लोग ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ते हुए मॉडर्न मेथड में आगे बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि हम लोग ह्यूमन पावर, एनिमल पावर को रिप्लेस करके मैकेनिकल पावर को बढ़ावा दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड फार्म मैकेनाइजेशन। ऑफ कोर्स यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ह्यूमन पावर है, ये क्या हुआ, बाद में रिप्लेस हो गया और मैकेनिकल पावर आगे बढ़ गया। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसी को क्या बोलते हैं, फार्म मैकेनाइजेशन। आई होप्स आपको डेफिनेशन समझ आ गया होगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, जो मैंने बोला वो यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन जो है वो दो तरीके का, दो टाइप के होता है। पहला पार्शियल फार्म मैकेनाइजेशन, दूसरा कंप्लीट फार्म मैकेनाइजेशन। पार्शियल फार्म मैकेनाइजेशन करने का क्या सेंस है, नेम से ही इंडिकेट है। सपोज आपके पास फील्ड है, ठीक है, इंडिया में मोस्टली जो है वो पार्शियल फार्म मैकेनाइजेशन का यूज़ किया करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, एग्रीकल्चर फील्ड में उतना एडवांस मशीनें नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इक्विपमेंट का भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल का भी यूज़ कर लेते हैं अपने कृषि कार्य करने के लिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन पावर यूज़ करते हैं, एनिमल पावर यूज़ करते हैं, कुछ मैकेनिकल पावर भी यूज़ कर लेते हैं। दैट मीन्स हम लोग कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं हल्का हल्का तीनों पावर का। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया में मोस्टली हम लोग पार्शियल फार्म मैकेनाइजेशन यूज़ करते हैं, जिसमें एक मशीन पर हम लोग डिपेंड नहीं होते, हम लोग तीनों पावर पे डिपेंड होते हैं, लाइक ह्यूमन पावर, एनिमल पावर और मैकेनिकल पावर। लेकिन आप यही अमेरिका चले जाओ, एडवांस कंट्री चले जाओ, वहाँ पे आपको बहुत कम ऐसे जगह दिखाई पड़ेंगे जहाँ पे लोग एनिमल का यूज़ करते हैं एज अ कृषि कार्य करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनके पास एक से एक एडवांस इक्विपमेंट है, एक से एक एडवांस मशीनें हैं, तो वो लोग कंप्लीटली मैकेनाइजेशन पे डिपेंड हैं। तो उसको क्या बोल सकते हो आप, कंप्लीट फार्म मैकेनाइजेशन, जो कि हमारे देश में नहीं है, इंडिया के अंदर, बल्कि ये आपको विदेशों में दिखाई पड़ेंगे, एडवांस कंट्री में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको टाइप ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडवांटेज ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। तो सबसे पहला एडवांटेज है टाइम लाइननेस ऑफ ऑपरेशन। सपोज यदि आपके पास मशीनें हैं, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था कि इसमें इस फार्मर को अगर ये हार्वेस्टिंग करने निकला है तो इसको काफ़ी लंबा समय लगेगा हार्वेस्टिंग करने में, लेकिन यदि आपके पास मशीनें हैं तो आप विद इन 1 आवर क्या करोगे, हार्वेस्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है आपके मैकेनाइजेशन का। दूसरा क्या है, रिडक्शन लॉसेस ऑफ क्रॉप एंड फूड प्रोडक्ट। ऑफकोर्स यदि सपोज मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि किस तरह से हमारे लॉसेस को ये कम कर सकता है मैकेनाइजेशन। सपोज आपने क्या करा कि पेडी का हार्वेस्टिंग करा, ठीक है, हार्वेस्टिंग किए, उसको आप फिर वापस अपने घर पे ले आए, लेकिन आपके पास क्या है, मशीन नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको लंबे समय तक थ्रेशिंग करोगे,
काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, इन बिटवीन अगर बारिश हो गया तो आपका फसल वहीं ख़राब हो जाएगा ना। तो यदि आपके पास यदि मैकेनाइजेशन है, मशीन है, तो आप उसको एक लिमिट समय में क्या करोगे, थ्रेशिंग करके उसको स्टोर रूम में रख दोगे, ठीक है। तो ये हमारे लॉसेस को कम किया या नहीं किया, बिल्कुल। थर्ड है आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट, इसको एक और लिख सकते हो रिड्यूसेस ऑफ क्या सेफ्टी, जैसे कि बोल सकते हो कि अगर आप फील्ड में जैसे देखे होंगे आप लोग कि फार्मर क्या करता है, अपने फील्ड में काम करता है तो उसको कई तरह के चोटें भी लग जाती हैं, लेकिन यदि आपके पास मशीनें हैं तो आप क्या कर सकते हो, रात में 10 बजे जब भी आपका मन करे आप अच्छे तरीके से खेती कर सकते हो बिना कोई टेंशन का, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड है। आप फोर है आपका इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, बिल्कुल। यदि आपके पास मशीनें हैं तो आप प्रॉपर अमाउंट में वाटर प्रोवाइड करोगे, प्रॉपर अमाउंट पे उसको फर्टिलाइजर प्रोवाइड करोगे, पेस्टिसाइड प्रोवाइड करोगे, जिससे ज़्यादा भी हो ज़्यादा नहीं हो सकता है, और एक लिमिट में दोगे तो क्या होगा कि आपके जो लैंड है वो प्रॉपर प्रोडक्टिविटी मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। जबकि आपके पास यदि कोई मशीनें नहीं है तो आप क्या करते हो, एक लिमिट से ज़्यादा ही उसमें इरीगेशन प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है, तो वो भी उसके लिए नुकसान कर जाता है। नो फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज इकोनॉमिक रिटर्न ऑफ टू फार्मर, ठीक है, बिल्कुल। यदि आपके पास मशीनें हैं तो आप कम समय में हार्वेस्टिंग करके उसको स्टोर करके रख सकते हो, जिससे क्या होगा, ख़राब नहीं होगा तो वो लॉस भी नहीं हो सकता है, और उसको आप बेटर अच्छे दाम में बेच सकते हो, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। यदि आपके पास 1 हेक्टेयर का लैंड है, उस पर आपने पेडी का कल्टीवेशन करा, ठीक है, तो अब आपके पास मशीनें नहीं है तो आप क्या करोगे, उसमें लेबर लगाओगे, ठीक है, लेबर लगाओगे तो उसको भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, तो यहाँ पे किसान को क्या होता है, लॉस हो जाता है। लेकिन यदि आपके पास मशीनें हैं तो आप खुद से क्या करोगे, हार्वेस्टिंग कर लोगे, किसी भी तरह का आपको लेबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो एडवांटेज है आपके मैकेनाइजेशन का। नाउ डिसएडवांटेज की बात करें तो फाइनेंशियल इनएबिलिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर, इंडिया में हमारे फार्मर के पास तो भाई दो रोटी मिल जाए तो वही बहुत ही भाई बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम उतने एडवांस मशीनें को परचेस कर सके, ठीक है। दूसरा है लैक ऑफ रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फैसिलिटी, हमारे पास सपोज अगर कोई मशीनें भी यदि आपके पास आपके घर में कोई ऐसा मशीन भी होगा तो जल्दी वो रिपेयर भी नहीं हो पाता है, ठीक है, वो हमारे पास वो फैसिलिटी ही नहीं है, ठीक है, खासकर रूरल एरिया में। थर्ड है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सेल आउटलेट, बहुत कम ऐसे शॉप हैं जो कि आपको इस तरह के मशीनें प्रोवाइड करती हैं, लिमिटेड है आपको जगह पे आपको मिल जाएगा लेकिन ना के बराबर है, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट मशीनरी, देखो हमारे किसान के पास जो ट्रेडिशनल मेथड चलता आ रहा है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, और हमारे किसान उतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो इस तरह के मशीनों का यूज कर सके, ठीक है। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, जो गवर्नमेंट सरकार को 2,000 रुपये देती है, अगर इसी में इस तरह का ट्रेनिंग किसान को प्रोवाइड कराया जाए तो अफकोर्स वो किसान हमारा आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वो मुद्दा यहाँ पे नहीं उठाते, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्मॉल फार्म एंड स्केटर्ड लैंड होल्डिंग, यदि हमारे फार्मर के पास तो इंडिया में क्या है कि छोटे छोटे लैंड है, इतना बड़ा लैंड तो है नहीं कि मतलब मशीन को हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा तो है, छोटे छोटे लैंड है और वो भी लैंड है सो कहाँ है, बटे हुए हैं, मतलब एक जगह पे नहीं है, कुछ यहाँ पे है तो कुछ वहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, तो इस तरह में थोड़ा दिक्कत होता है मशीनों को ले जाके और इस तरह का काम करना, तो ये भी एक परेशानी है। सो दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, और आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।